अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी सीरीज को जिस तरह से आप लोग अपना मोहब्बत दे रहे हैं वो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सच बात यह भी है कि इसी से हमको उत्साह भी मिलती है, हमें नए नए वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। आप लोगों को इस काली स्याह दुनिया को कहानी के माध्यम से दिखाने में मज़ा आता है और हम यह कोशिश लगातार जारी रखे हुए हैं। हमें कमेंट सेक्शन में कई बार अब्दुल लतीफ़ के कहानी को बताने की रिक्वेस्ट आई। हमने सोचा कि आखिर गुजरात के इस डॉन का संबंध मुंबई अंडरवर्ल्ड से हो सकता है क्या, लेकिन जब हमने अब्दुल लतीफ़ के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि वो रहता तो गुजरात में था लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी उसका सीधा संबंध था। किस तरह से अब्दुल लतीफ की कहानी आगे बढ़ती है मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का यूट्यूब चैनल। अब्दुल लतीफ का जन्म 24 अक्टूबर 1951 को गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के अति संवेदनशील एरिया दरियापुर में हुआ था। उसके पिता का नाम अब्दुल वहाब शेख था। फैमिली गरीब था और लतीफ़ के पिता मजदूरी करते थे। अब्दुल लतीफ़ की शादी सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। अब जब शादी हो गई थी तो जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई थी। लतीफ़ रिक्शा चलाकर पेट पालना शुरू किया, लेकिन छोटे से समय में ही ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। इस गलत कामों की शुरुआत हुई थी जुए के अड्डे से। अपने घर के नज़दीक ही एक जुए का अड्डे था। थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में उसे जुए की लत लग गई, लेकिन हुआ यह कि पैसे कमाने की बजाय वह पैसा गंवाने लगा। फैमिली में माहौल खराब होने लगा, लेकिन लतीफ़ ने परिवार की परवाह किए बिना अपने एक सहयोगी रफीक के साथ मिलकर शराब बेचना शुरू किया। यह एक अवैध धंधा था। दोनों शुरू में वासु सिंधी नाम के एक शराब व्यापारी से शराब खरीद कर बेचते थे, लेकिन वह ज़्यादा महंगा पड़ता था और उसमें प्रॉफिट भी नहीं के बराबर थी। इसके बाद लतीफ़ ने अपना दिमाग लगाया। अब उसने राजस्थान के कैलाश जैन से शराब खरीदना शुरू किया। अब वो सस्ती शराब खरीदता था और उसे महंगे दामों पर बेचता था। धीरे धीरे उसका शराब का कारोबार जोर पकड़ने लगा और वो उससे अच्छा खासा रुपया भी बनाने लगा। अब वो राजस्थान से हर रोज 2 ट्रक शराब गैर कानूनी रूप से मंगाता था और उसे बाद में पूरे अहमदाबाद में बेचता था। हर ट्रक पर कम से कम उसको 15,000 रुपये मिलते थे। अब अब्दुल लतीफ का नाम अहमदाबाद के काली स्याह दुनिया में लिया जाने लगा था। इस तरह का धंधा यानी कि अवैध शराब का धंधा अपने साथ खूनी खेल लेकर आता है। इसमें बात हो जाती है वर्चस्व की। जिसका जितना ज्यादा वर्चस्व उसका उतना ही ज्यादा धंधा। अब अब्दुल लतीफ इस खेल में उतर गया। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं मुंबई। इस समय साल 1982 चल रहा था। उस समय के बम्बई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो चुकी थी। उसी समय बम्बे में दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर की हत्या हो गई। उसके आरोपी आमिर खान और आलम खान अहमदाबाद चले आए। कहा जाता है कि यह दोनों पठान गैंग का आदमी था। पठान गैंग मतलब करीम लाला का गैंग। इन दोनों को अब्दुल लतीफ ने अपने पास रखा और इस तरह से अब्दुल लतीफ ने दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी मोल ले लिया। दाऊद को इस बात की खबर मिली। दाऊद ने लतीफ से इस बात का बदला लेने का सोचा और उसे मौका मिल गया वडोदरा में। वडोदरा में अब्दुल लतीफ के दो खास लोग आलम जेब और कंवल जीत कुछ काम से रुका हुआ था। तभी दाऊद ने अपने गैंग के साथ दोनों पर हमला कर दिया। अच्छा खासा वहां पर गैंगवार हुआ। इस गैंगवार में वो दोनों तो बच निकला, लेकिन इसमें दाऊद खुद जख्मी हो गया और फिर उसे बड़ोदरा के सयाजीराव अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद दाऊद इब्राहिम पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और उसे अहमदाबाद के साबरमती जेल भेज दिया गया। यह कहा जाता है कि पेशी के दौरान दाऊद वडोदरा कोर्ट से निकलकर पुलिस के साथ एक प्राइवेट कार में आ रहा था। उसी समय दाऊद को निपटाने के लिए लतीफ़ की निगरानी में ताबड़तोड़ हमला किया गया और दाऊद इब्राहिम इस हमले में बच निकला। इस घटना के बाद अब अब्दुल लतीफ पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ और उसे साबरमती जेल भेजा गया, लेकिन लतीफ के नाम पर उसके लोग आपराधिक घटना को अंजाम देता रहा। लतीफ का अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पुलिस अब उससे परेशान होने लगी थी। साल 1985 में लतीफ अपनी माँ की मौत पर पैरोल पर बाहर आया था। अब जब वह जेल से बाहर आया तो उसे एक नया मौका हाथ लग गया। वह इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। उस समय अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव थे। उसी समय लतीफ ने राजनीति में एंट्री मारी और 5 वार्ड से अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। यह लतीफ का डर था या कुछ और नहीं पता, लेकिन लतीफ उस 5 वार्ड से चुनाव जीत गया। उसके बाद लतीफ ने जेल से बाहर आने के लिए जाने माने वकील राम जेठमलानी से संपर्क किया और उसको अपना वकील बनाया, और इसका नतीजा यह हुआ कि अब्दुल लतीफ सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर
छूट गया। जब तक लतीफ जेल में रहा उस समय तक दाऊद इब्राहिम का मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम हो गया था। उसका काला धंधा अब सात समंदर पार दुबई पहुंच चुका था और साथ में दाऊद भी अब दुबई में ही अपना ठिकाना बना लिया था। दाऊद का मुंबई में तो अपना गैंग था ही, लेकिन उसे अब गुजरात में भी अपने लोग चाहिए थे, क्योंकि समंदर के रास्ते माल मुंबई के साथ साथ गुजरात में भी उतरता था। दाऊद के दिमाग में लतीफ का नाम सबसे ऊपर आया, लेकिन लतीफ से तो उसकी दुश्मनी हो चुकी थी। लेकिन जहां पैसा और रुतबा दिखे वहां पर दुश्मनी को भुला दिया जाता है। लतीफ और दाऊद के साथ भी यही हुआ। साल 1985 के अक्टूबर महीने में लतीफ को दुबई बुलाया गया। वहां पर महबूब बिल्डिंग में उसे मेहमान की तरह ले जाया गया। उस समय वहां दाऊद इब्राहिम के साथ छोटा शकील और अबू सलेम समेत उसके कई खास लोग थे। दोनों के बीच सुलह कराने के लिए सुल्तान शाह थे। सुल्तान शाह के सामने दाऊद और लतीफ दोनों ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई और आपस में मिल गए। अब दाऊद ने लतीफ से गुजरात में स्मगलिंग के धंधे को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया। अब्दुल लतीफ बड़ा गुंडा था, लेकिन दिमाग में वो दाऊद इब्राहिम से बड़ा नहीं था। लतीफ के इंडिया वापस आते ही दाऊद उससे भरपूर काम लेने लगा। दाऊद ने सबसे पहले डेविड को अहमदाबाद के अम्रपाली होटल में मरवाया। लतीफ के लोगों ने जब डेविड को गोली मारते समय की कॉल रिकॉर्डिंग दाऊद को सुनाया तो दाऊद बहुत खुश हुआ। डेविड को इसीलिए मारा गया था क्योंकि उसने अरुण गवली से हाथ मिलाया था और अरुण गवली ने दाऊद को मारने के लिए डेविड को सुपारी दी थी। इस तरह से दाऊद और लतीफ दोनों गुजरात और मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर समानांतर राज कर रहा था। अब दाऊद की मदद से लतीफ ने सोने का स्मगलिंग शुरू किया। लतीफ ने अपनी पहली खेप में 25 लाख का सोना मंगवाया, जबकि मार्केट में उसी सोने की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा मिली। लतीफ अब रुपया बनाना जान चुका था, लेकिन यह काम बिना दाऊद के सहारे के नहीं हो सकता था। अब दाऊद और लतीफ दोनों एक दूसरे की जरूरत बन चुके थे। अहमदाबाद के सड़कों पर अब लतीफ का आतंक आसमान छू रहा था। अपने धंधे के बीच में आने वाले हर किसी को वह गोली मारे जा रहा था। लतीफ के गैंग में अब 100 से ऊपर का काम कर रहा था। शराब माफिया पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए उसने एक के बाद एक 7 हत्याएं अपने गुर्गों से करवाई। लतीफ के लोगों ने सरेआम एक पुलिस ऑफिसर की भी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी कोहराम मच गया। साल में आगे बढ़ते हैं 1992। इस समय अब्दुल लतीफ अहमदाबाद में अवैध शराब के धंधे पर एक छत्र राज कर रहा था। वह अपने धंधे के बीच में किसी को आने नहीं देना चाहता था, लेकिन एक आदमी था जो उसको टक्कर देना चाह रहा था। नाम था हंसराज त्रिवेदी। हंसराज लतीफ से अलग होकर बिजनेस करना चाह रहा था, लेकिन लतीफ को यह मंजूर नहीं था। आखिरकार लतीफ ने उसे रास्ते से हटाने की सोच लिया। 3 अगस्त 1992, इस दिन हंसराज अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में बने राधिका जिमखाना में पार्टी कर रहा था। वह 3 लोगों के साथ अंदर गया था, लेकिन उस समय जिमखाना में कुल 9 लोग थे। लतीफ का शार्प शूटर शरीफ खान 9 लोगों में से पहचान नहीं पाया कि हंसराज कौन है, और फिर शरीफ ने AK-47 से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए सभी 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हर अपराधी अपने जीवन में एक ना एक ऐसी गलती जरूर करता है जो साए की तरह उसके साथ चिपक जाता है। यह गलती अब्दुल लतीफ के लिए कुछ ऐसा ही साबित हुआ। इस घटना के बाद अब्दुल लतीफ को पकड़ने के लिए राजनीतिक दबाव भी बनने लगा। पुलिस ने उसके गैंग के सदस्यों को पकड़ना और मारना शुरू किया। उसके लोग गिरफ्तार होने लगे। केवल लतीफ के 1-2 खास साथी ही बचा हुआ था। लतीफ अपना ठिकाना बदल रहा था और फिर दाऊद ने उसे दुबई बुला लिया। नेपाल के रास्ते वो दुबई पहुंच गया। दुबई में लतीफ का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अहमदाबाद में उसका गैंग खत्म हो रहा था। वह वापस अहमदाबाद आना तो चाहता था, लेकिन दाऊद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी अब असली कॉन्स्पिरेसी की, कहानी अब असली षड्यंत्र की। 13 दिसंबर 1992, दुबई में दाऊद इब्राहिम का घर। इस दिन दाऊद के यहाँ पाकिस्तान के एम्बेसडर के साथ उसकी मीटिंग थी। लंच के बाद उसको विदा करते हुए दाऊद ने कहा कि हथियारों और सामान का व्यवस्था हो गया है। यहाँ सामान का मतलब RDX से था। यही व्यवस्था लतीफ के द्वारा भारत लाया गया था, जिसका इस्तेमाल बाद में 1993 के मुंबई धमाकों में हुआ था, जिससे पूरा मुंबई दहल चुका था। अब्दुल लतीफ के सिर पर अब तक 8 मर्डर समेत लगभग 30 केस चल रहा था, लेकिन अहमदाबाद में उसका आना जाना लगातार जारी था। कहा जाता है कि वह अहमदाबाद में किसी से डरता नहीं था, क्योंकि उसके पीछे मुसलमानों का हाथ था। इसकी भी एक वजह थी, उसने रॉबिन हुड वाली अपनी छवि अपना ली थी, जैसे कि बाकी के गुंडे भी अपनाते हैं। अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना, अपने समुदाय के लोगों की हेल्प करना। बड़े सलीके से वह वहां के लोकल मुसलमानों को बरगलाए रखा, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और दंगों में सबका साथ दिया। इसलिए वहां का मुसलमान उसको संरक्षण देता रहा। खुद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी ने उसके लिए कहा था कि बड़ी चतुराई से उसने मुसलमानों की कमजोरी को भुनाया है और उसका मसीहा बन बैठा है।
मुंबई धमाकों से पहले अब्दुल लतीफ अहमदाबाद वापस लौट चुका था। इस धमाकों के तार जब तक अहमदाबाद पहुंचता तब तक लतीफ दाऊद की मदद से हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहा था। फिर बाद में जब पुलिस की पकड़ मजबूत हुई तो लतीफ को दोबारा सिंगापुर के रास्ते दुबई भागना पड़ा। कुछ महीनों तक वहां रुकने के बाद दिसंबर 1994 में दाऊद के मना करने पर भी वह पाकिस्तान से अटारी बॉर्डर होते हुए दिल्ली आ गया। यहां उसने फिरौती, अपहरण, हत्या और सुपारी किलिंग का धंधा फिर से शुरू किया। लेकिन अब यह ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था क्योंकि दिल्ली उसका एरिया नहीं था। 10 अक्टूबर 1995 को गुजरात ATS, CBI और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार किया गया और फिर उसे साबरमती जेल में बंद किया गया। जेल से भागने के दौरान ही 28 नवंबर 1997 को पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। साल 2017 में आई शाहरुख खान की फिल्म रईस को लतीफ के जीवन पर बनी फिल्म बताया गया, लेकिन इसके निर्माता निर्देशकों ने कहा कि यह एक काल्पनिक कहानी पर आधारित फिल्म है। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आप ही इस बारे में डिसाइड करें कि यह फिल्म लतीफ पर आधारित है या नहीं। तो यही थी गुजरात के डॉन अब्दुल लतीफ की पूरी कहानी। मजबूरी में सही काम के बदले गलत काम को चुनो और फिर बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारे जाओ। एक अपराधी की जिंदगी इससे ज्यादा होती भी क्या है। तो अब्दुल लतीफ के अंडरवर्ल्ड की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस सीरीज के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए, बाकी जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन है उन सभी की वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।